वजीर आला सिंध और चेयरमैन नैब ने नामुमकिन काम कर दिखाया। नैब के सीनियर अहदेदार मुराद अली शाह के मोतरफ, आखिर मामला क्या है? सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खसूस रिपोर्ट के मुताबिक नैब के दो डायरेक्टर जनरल्स और सिंध हुकूमत के कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को एक ऐसे सूबे में नाकाबले यकीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर सिविल अवार्ड्स के लिए नामजद किया जाएगा, जिसे ख़राब साग वाली ब्यूरोक्रेसी और सरकारी ज़मीनें बांटने के हवाले से पहचाना जाता है। नैब के आला इंतजामी और सिंध हुकूमत का दावा है कि चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुत्तफिका तौर पर मंजूर करदा हिकमत अमली के तहत जंगलात पर मुश्तमिल तकरीबन 18 लाख एकड़ अराजी न सिर्फ तजावजात और गैर कानूनी अलाटियों से वागुजार कराई गई बल्कि सूबाई लैंड रिकॉर्ड में इसकी हदबंदी और इंदराज भी किया गया है। वागुजार कराई गई ज़मीन की मालियत तकरीबन 3 खरब रुपये से ज़ायद बताई जाती है। चीफ सेक्रेटरी सिंध और नैब के सीनियर हुकाम ने तस्दीक की है कि अब तक 18 लाख एकड़ ज़मीन वागुजार, इसकी हदबंदी और महकमा जंगलात के लैंड रिकॉर्ड में इंदराज कराई जा चुकी है। अगले मरहले में नैब और सिंध हुकूमत मिलकर शहरी इलाकों में सरकारी ज़मीनों पर और देही इलाकों कच्चे की ज़मीन पर कब्जा करने वालों और गैर कानूनी अलॉटीज़ को हदफ बनाएंगे। जंगलात की ज़मीन की रिकवरी और म्यूटेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है, जिसमें दरिया के कुर्ब जवार में मौजूद 7,75,795 एकड़, 1,97,000 एकड़ सैराबशुदा महजूज जंगलाती अराजी और 8,81,696 एकड़ रेंज लैंड शामिल है, जिसका ताल्लुक महजूज जंगलात से है। इस कार्रवाई को मुमकिन बनाने के लिए चेयरमैन नैब ने वजीर आला सिंध से मशावरत की और बाहिमी ताउन के लिए हिकमत अमली वजह की गई, जिसमें नैब ने मुकदमात बनाने के बजाय सिंध हुकूमत के साथ मिलकर सरकारी अराजी का बड़ा हिस्सा तजावजात से पाक और गैर कानूनी अलॉटीज के कब्जे से वागुजार कराने के लिए कार्रवाई की। नैब के सीनियर अहदेदारों ने वजीर आला सिंध की तारीफ की है। ज़राए का कहना है कि वजीर आला सिंध ने सियासी दबाव के बावजूद नैब को इतनी बड़ी सरकारी अराजी, तजावजात और गैर कानूनी अलॉटियों से वागुजार कराने के लिए मुकम्मल ताउन फराहम किया। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत के 3 सीनियर अफसरान यानी चीफ सेक्रेटरी, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सेक्रेटरी जंगलात ने नैब के साथ मिलकर भरपूर अंदाज से कार्रवाई अंजाम दी। नैब इंतजामिया की जानिब से नैब के 2 अफसरान DG नैब कराची और DG नैब सखर को सिविल अवार्ड के लिए नामजद किया जा रहा है। नैब सखर के 3 और नैब कराची के 2 अफसरान को नैब इंतजामिया की जानिब से उम्रे पर भेजा जा रहा है। वजीर आला सिंध ने चेयरमैन नैब के साथ हालिया मुलाकात में इंदिया दिया है कि सूबाई हुकूमत अपने अहदेदारों को इनामात भी देगी, जिनमें से कुछ को सिविल अवार्ड देने पर गौर किया जा रहा है। बताया जाता है कि बाकी रह जाने वाले काम के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया है, जिसमें सर्वे और बाकी मानदा तजावजात ख़त्म करना शामिल है। कच्चे की ज़मीनों की हकीकत और इस्तेमाल से जुड़े मसाइल को अगले मरहले में हल किया जाएगा। शहरी सिंध में गैर कानूनी तजावजात और सरकारी अराजी की अलाटमेंट के खिलाफ भी इसी तरह की मुहिम का मनसूबा बनाया गया है।